हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुस्कान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। आपने इसको कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स पे। आजकल ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ऑयल, एंड आपने इसके कई तरीके की रिव्यूज़ भी देखे होंगे। सारे लोग इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हमें भी एक बार इसको टेस्ट करना चाहिए कि क्या सच में ये जिस तरीके से लोग इसके बारे में बता रहे हैं ये उतना ही ज़्यादा वर्क करता है या नहीं, या फिर आपके जो बाल झड़ गए हैं या आपके बालों को लंबा घना करता है या फिर नहीं। लड़कियों के साथ साथ ये लड़कों के भी बालों को बहुत ज़्यादा लंबा घना कर देता है, ऐसा इस ऑयल का दावा है। एंड मैंने तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखा है। आपने देखा है या नहीं आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो क्या आप एक्साइटेड हो इसके बारे में जानने के लिए? वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो आदिवासी ऑयल है ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिखता है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, लेडीज़ जो है इनके बाल कितने ज़्यादा लंबे लंबे हैं, घने घने हैं। तो ये दावा करता है कि आपके अगर आप गर्ल हो तो भी, और अगर आप जेंट्स हो, बॉय हो, मैन हो, आप सबके बाल ये लंबे कर देगा। तो आप एक्साइटेड तो होगी अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो और आप इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहते हो कि हाँ सच में ये हमारे बालों को लंबा करता है या फिर नहीं करता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं ऑनेस्ट रिव्यू इसका देने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना अगर आपको भी ये ऑयल यूज़ करना है। तो ये जो ऑयल है आदिवासी लोग इसको यूज़ करते हैं, वो अपने ही तरीके से इसको प्रिपेयर करके बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। वो इसको बेचने के साथ साथ बनाते भी हैं एंड अपने बालों में भी लगाते हैं इसको। तो इस ऑयल को पूरे 101 जड़ी बूटियों के साथ बनाया जाता है, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट डाले जाते हैं। जैसे कि मैं कुछ आपको इन्ग्रीडियंट बता देती हूँ, एलोवेरा, मेथी का दाना, भृंगराज, आंवला, भृंगा, इस टाइप के काफ़ी सारे जड़ी बूटियाँ डाल के, इसमें 101 जड़ी बूटियाँ डाल के इस ऑयल को बनाया जाता है। अब इस ऑयल का टेक्सचर और कलर कैसा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ। और इसके फ्रेग्रेंस के बारे में भी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखिए, कुछ इस टाइप का ये आपको ऑयल मिलने वाला है। एंड ऑयल की अगर मैं अब बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ऑयल है, एंड बिल्कुल भी मेरे को इरिटेशन, चिपचिपाहट फील नहीं हो रहा है। अगर आप इसको अपने बालों में लगाओगे तो ये तुरंत ही एग्जॉर्ब हो जाएगा एंड आपके बालों को बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं लगेगा। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको एग्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी मेरे जो स्किन है वो लाइट कर रही है। एंड ये जो ऑयल है इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो ये आपको जड़ी बूटियों जैसा फ्रेग्रेंस इसकी है, आपको ये जड़ी बूटियों जैसा महकता है। अब बात करते हैं इस ऑयल को यूज़ कैसे करना है। तो इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि आपको हफ्ते में इसको 3 बार यूज़ करना है एंड 3 महीने तक इसको आपको कंटिन्यू यूज़ करना है। हाँ, तो ये जो ऑयल है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो इसीलिए आप अगर सोच रहे हो इस ऑयल को यूज़ करने के बारे में तो आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इन्ग्रीडियंट डले हुए हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, जो कि आपके बालों को बहुत अच्छी तरीके से, आपके बालों को सुंदर बनाने का काम करते हैं, लंबा घना मजबूत बनाने का काम करते हैं। आपके बालों को जो पोषण तत्व चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट इस ऑयल के अंदर डाले गए हैं। तो डेफिनेटली ये ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। यूज़ करने का तरीका जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, आपको क्या करना है, रात को, इसके ऊपर भी मेंशन किया गया है कि रात को आपको अपने हेयर के ऊपर इसको ऑयलिंग करनी है एंड नेक्स्ट डे आपको शैम्पू से वॉश कर लेना है। हफ्ते में 3 बार इसको यूज़ करना है एंड 3 महीने तक आपको कंटिन्यू इस ऑयल को रखना है। एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके बाल पहले बहुत ज़्यादा लंबे घने थे तो ये आपके बालों को फिर से जैसे कि झड़ गए हैं किसी भी रीज़न से, किसी भी रीज़न की वजह से आपके बाल झड़ चुके हैं या फिर अभी भी झड़ रहे हैं, तो ये उनको कंट्रोल कर सकता है एंड आपके बालों को न्यू हेयर ग्रोथ दे सकता है जहाँ पे आपके पैचेस हो गए हैं। बट अगर आपके बालों की डेंसिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा कम है या फिर आपके फैमिली में किसी के भी बाल बहुत ज़्यादा लंबे घने नहीं हैं, आपके पूरी फैमिली मेम्बर्स के बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं एंड उनकी जो लेंथ होती है हेयर्स की वो कम है, तो आपको पता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। एंड आपके अगर बालों में जेनेटिक आपके बाल नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा या फिर आपके पेरेंट्स के बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है,
तो आप कुछ भी लगा लो, आपके बाल बहुत हद तक लंबे घने नहीं हो सकते। हाँ, थोड़े से आपके बालों की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, क्योंकि आप अपने बालों में वो सारे पोषक तत्व दे रहे हो, वो सब चीज़ें दे रहे हो जो आपके बालों को चाहिए, आपके स्कैल्प को चाहिए। तो आपके जो बाल है उसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसका टेक्सचर अच्छा हो सकता है, आपके बाल सिल्की शाइन स्मूथ हो सकते हैं, हो सके तो हल्के फुल्के लंबे भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो कि आपके बाल बिल्कुल घुटने तक हो जाए, एकदम लंबे घने हो जाए, तो वैसा नहीं है। अगर आपके बालों की डेंसिटी पहले से ही कम है तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। इसको आप कहाँ से मंगवा सकते हो? तो ये आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो इसके ऊपर आपको नंबर दिया होता है, आप वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप तब मंगवाइए, क्योंकि ऑनलाइन आपको ओरिजिनल मिलता है या फेक मिलता है ये हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो जो इनके ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से ऑर्डर करके मंगवाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। अदरवाइज इस ऑयल का मैं छोटा सा ही रिव्यू आपके साथ शेयर करने आई थी कि ये जो ऑयल है, ये इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट डले हैं वो सारे के सारे आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके बालों को कोई भी हार्म पहुँचाए या इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको लगाओगे तो आपके बालों में डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाएगी, आपके बाल जो रफ़ रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं, बिल्कुल भी शाइन नहीं रहता, वो ठीक होगा। अगर आपके बालों में रूसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपके बाल धीरे धीरे करके लंबे होंगे, एकदम से आप लगाओगे और सोचोगे कि एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। कोई भी चीज़ आप लगाते हो तो पेशेंस के साथ ही आपको कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। सो अगर आप इस ऑयल को भी यूज़ कर रहे हो तो पहले 3 महीने आप लगा के देखिए, अगर आपको आपके बालों में थोड़ा भी फ़र्क नज़र आता है कि हाँ पहले कुछ था, पहले मेरे 50 बाल झड़ रहे थे तो अब मेरे 30 या 20 बाल झड़ रहे, अगर आपको इतना भी लगता है ना कि हल्का फुल्का भी फ़र्क पड़ा है, तो आप इस ऑयल को कंटिन्यू रखिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, आपके हेयर फॉल में बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ है, तो आप इस ऑयल को कंटिन्यू ना करते हुए छोड़ देना एंड जो आप पहले ऑयल यूज़ करते थे उसको ही यूज़ करना। क्योंकि आप इतना कॉस्टली ऑयल लगा रहे हो एंड आपके बालों में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है उस ऑयल को कंटिन्यू करना 1-2 साल। जैसे कि मेरे केश किंग वाले वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं 3-4 साल से केश किंग ऑयल को यूज़ कर रही हूँ लेकिन मेरे बालों में कोई भी फ़र्क नहीं दिखा, मेरे बाल बिल्कुल और पहले से ज़्यादा झड़ गए। तो जब आप यूज़ कर रहे थे आपको पता होगा ना कि आपको ये ऑयल सूट नहीं कर रहा है, तो आपने उसी समय उस ऑयल को क्यों नहीं यूज़ करना छोड़ दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हर किसी को सूट करें, कभी कभी किसी को कोकोनट ऑयल लगाने से भी उनके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लंबे होते हैं, घने होते हैं, उनको वही सूट करता है, जिसको जो सूट करता है वही अप्लाई करना चाहिए अपने बालों के लिए। ऑयल की बात करा जाए तो ये ऑयल आपके बालों को लंबा घना करने के लिए काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो आप डेफिनेटली इस ऑयल को तो यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को लंबा और घना करने के लिए। उसके साथ साथ ही आपको अपने डाइट का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने खान पान का तरीका सही रखें, जिससे कि आपके अंदर से भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम सही रहे, आपके बालों को अंदर से भी जितने भी पोषक तत्व मिले वो ठीक रहे। जब आप अंदर से सुंदर रहोगे तो बाहर से ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे। आपको अपने स्लीपिंग टाइम को सही करना चाहिए, स्ट्रेस से आपको दूर रहना चाहिए एंड अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि PCOD थायराइड टाइप की, तो आपके बाल तो डेफिनेटली झड़ेंगे ही, बट आपको अपने बालों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। एंड इस ऑयल का क्वांटिटी, प्राइस एंड आप इसको कहाँ से परचेज कर सकते हो, किस नंबर से, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी। अभी के लिए बाय गाइस।